तीन राज्यों में जबरदस्त नाकामी के बावजूद अभी भी कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसको लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए 2024 में प्रधानमंत्री का मुकाबला किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और संघ का मुकाबला किया जा सकता है, जिसके बारे में विशेषज्ञ यह कहते हैं कि आपको या तो पूरी तरह से हिंदुत्व पर उतरना होगा, यह जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो बात है इसको आपको छोड़ना होगा। अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो इसी तरह की नाकामियां आपके हाथ लगेंगी। नतीजा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कि एक शख्स ने किस तरह से मानसिकता जिनकी आरएसएस और संघ की है, कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, इन लोगों ने किस तरह से पार्टी को डुबो दिया। कमलनाथ अपनी अना में सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा बना करके, मुसलमानों को पीछे रख करके इस पूरी लड़ाई को जीतना चाहते थे, लेकिन नाकामी उसके मुकद्दर में आई और अब पार्टी में भी यह सवाल खड़ा होने लगा है कि अब इन संघीय नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल कर खड़ा किया जाए। लेकिन ऐसे में एक वीडियो सामने आया है, पंजाब कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में बस लेकर जाने की बात कही गई है। गुरु ग्रंथ साहब में कई बार भगवान राम का नाम है, राम सबके हैं, यह बात जो कांग्रेस के यहाँ के बड़े लीडर हैं पंजाब के वो ये कह रहे हैं, मोदी जी वगैरह सबके लिए ट्रेन की टिकट की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम पंजाब की कांग्रेस सबको बस से लेकर जाएगी, राज बरार हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो ये बात कह रहे हैं। सुनिए पहले बाइट। राम मंदिर की जो आपने बात की, राम मंदिर अकेले कोई बीजेपी का तो नहीं है, ना ही मोदी जी का है, राम मंदिर तो हमारा भी है। गुरु ग्रंथ साहब में नीचे कर लो यार, अनेकों बार राम जी का नाम आता है, चाहे वो सरदार है चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहता वो राम जी को मानता है। हाँ ये जरूर है कि बीजेपी उसको वो पीछे ले सकती कहना है। कहती है कि राम केवल हमारे थे, भगवान एक व्यक्ति के और किसी पार्टी के और एक व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं, हमारे भी थे। यहाँ तक राम मंदिर जाने की बात है 22 जनवरी को तो ये भावना है बहुत से लोगों की, हमारी भावना है। और मान लीजिए ट्रेन दे दी मोदी जी ने, उसमें ये भी होगा कि भाई केवल बीजेपी वाले ही जाएंगे, दूसरी जनता नहीं जाएगी और कांग्रेस ही नहीं जाएगी, तो फिर हमारी बस पे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो व्यक्ति हम ये कहेंगे हम भी जाना चाहते और हम जाएंगे कि राम मंदिर राम जी हमारे थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष अकेले के थे। और मैं देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ, लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आओ हम सब लोग इकट्ठे होकर राम मंदिर राम जी का, हमारा सर झुकता है हमारे भगवान के अंदर, हम जाएंगे। ये वो कोई मतलब नहीं है कि उसका उद्घाटन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर बस ट्रेन की टिकट नहीं मिली किसी व्यक्ति को, उसके लिए हम प्रावधान करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसको अपनी बस करा के उसके ऊपर लेके जाए। तो सुना आपने, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े लीडर हैं पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने हमारे लिए ट्रेन का इंतजाम किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो वो बसें लेकर के जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि राम सबके हैं, किसी पर उसका जो है इजारागारी नहीं है, राम सबके हैं। और जाहिर सी बात है इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं कांग्रेस का असली चेहरा आवाम के सामने आ रहा है और लोगों की समझ में आ रहा है। वो कांग्रेस जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बी टीम कहती है, अब सवाल यही खड़ा होता है कि बी टीम कौन है। इस पर न सिर्फ बहस की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जो समय समय पर सामने आती हैं, क्योंकि कई बार श्रेय लेने की कोशिश की जाती है कांग्रेस के नेताओं के जरिए कि राम मंदिर बनाने में, राम मंदिर को क्यों क्लियर करने में या बाबरी मस्जिद की शहादत में किस तरह से कांग्रेस ने किरदार अदा किया, किसके टाइम में वहां पर मूर्ति रखी गई, किसके टाइम में वहां पर ताला लगाया गया। ये बातें अब कांग्रेस के लीडर
खुल करके कहने लगे हैं और कहीं ना कहीं वाहवाही में ये बताने के लिए कि जहां इसका श्रेय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेती है तो उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमने ताला नहीं लगवाया होता, हमने नमाज बंद नहीं की होती, हमने मूर्ति रखने की इजाज़त नहीं दी होती, हमने वहां पर पूजा की इजाज़त नहीं दी होती तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद कर पाना नामुमकिन था। और जब शहीद की जा रही थी तो तब भी हमने उसको शहीद होने दिया। ये तमाम बातें कांग्रेस के नेता कहते हैं। अब जब इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है तो उसका श्रेय लेने में भी कांग्रेस पीछे रहना नहीं चाहती।